हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये ब्लॉग जो है इंडियन टीम के साथ है, और इंडियन टीम अपना एक्सपीरियंस और अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर करेगी। तो स्टार्ट करते हैं सुनील मलिक के साथ। सुनील भाई, तो भाई, क्या फीलिंग आपका फर्स्ट एशियन गेम है? राम राम पहले तो सारे भाई है ना भाई। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया के लिए फर्स्ट एशियन गेम है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए लेकिन एशियन गेम फर्स्ट है। ये कबड्डी ओलंपिक ही मानो, ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। तो इंडिया के लिए जा रहे हैं, गोल्ड ही लेके आएंगे। और अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगे? फैंस को ये बोलेंगे इंडिया टीम को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, कबड्डी को जहाँ पर भी सोनी लिव पे आएगी वहाँ पर देखो। और कबड्डी वाले जितनी कबड्डी की टीम है, दोनों टीम है, तो आपके लिए जरूर गोल्ड लेके आएंगे। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू। तो भाई, अपने जो सेकंड प्लेयर है वो टीम के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, डिफेंडर में टॉप है। और सुरजीत भाई अपने राम राम भाई, खुश है सभी टीम, और बस वही है उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जो हम आपके लिए गोल लाएंगे। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप हमारे लिए दुआएं करें और प्रेयर करें। और जो तीसरा प्लेयर है वो अर्जुन देसवाल, और इसका निशाना कभी खाली गया ही नहीं है, नाम ही अर्जुन है। तो इंट्रोडक्शन अर्जुन के साथ। ये अपने अर्जुन देसवाल भाई, तो क्या है आपके शादलु के सामने, क्या गेम प्लान रहेगा? गेम प्लान तो शादलु के साथ नहीं है, पूरी ईरान टीम के साथ है। और जो मतलब थोड़ी गलतियाँ हो गई थी 2018 में, हम इस बार वो गलतियाँ नहीं करेंगे। इस बार गोल्ड लाना है हमें, पूरी ईरान टीम के साथ हमारा पंगा है। तो ईरान को, बांग्लादेश को, कोरिया को आप सब इक्वल समझते हो? नहीं नहीं, सब बराबर है इसमें, कोई ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका कोई नहीं, सभी के साथ अच्छे खेलेंगे। चलो थैंक यू अर्जुन भाई। तो जो हमारा फोर्थ प्लेयर है वो नितिन रावल है, और आप सबको पता है कि टीम इंडिया में जो ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं वो नितिन रावल है। तो उनसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये टीम इंडिया के प्लेयर नितिन रावल जो अकेले ऑलराउंडर है, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी एक ऑलराउंडर के रूप में ईरान के सामने? सबसे पहले सभी को राम राम। भूमिका तो ये है कौन भाई की, जैसे जो डिफेंस में जरूरत पड़ेगी तो डिफेंस करेंगे, और ऑफेंस में जरूरत पड़ेगी तो ऑफेंस करेंगे। अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे पूरी टीम इंडिया की। आपका कहने का मतलब है कि इंडिया टीम को आपको जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी आप अपना पूरा कर्तव्य पे खड़े उतरेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद नितिन रावल भाई। और जो अपना अगला जो फिफ्थ प्लेयर है वो सचिन तन्वर है, और आप सभी ने इसको पटना पायरेट्स की जर्सी में देखा होगा, फिलहाल ये इंडिया की जर्सी में है। तो इनसे इंट्रो कराते हैं। ये सचिन भाई अपना, सचिन तन्वर भाई, और प्यार से सचिन भाई को घोड़ा भी बोलते हैं। तो सचिन भाई, आपका घोड़ा नाम क्यों रखा गया? पहले तो नमस्कार सभी भाइयों को मेरा, हाथ जोड़कर। वही घोड़ा, मैं साई में प्रैक्टिस करता था ना, तो मैं बीच कबड्डी में खेलते थे, तो प्रवेश ने डाई लगा दी, मैं जंप कर दिया, बच्चों ने घोड़ा घोड़ा जंप किया ना उसमें, तो वो जंप लगा दिया, तो उधर उधर से साई को जूनियर बच्चे थे उन्होंने घोड़ा घोड़ा नाम देख दिया, नेम मेरा घोड़ा लग दिया। फिर टूर्नामेंटों में भी घोड़ा चलने लगा, फिर सभी मेरे को घोड़ा बोलने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई घोड़ा बोलता है, तो मैं बहुत अच्छा फील होता है। तो भाई, ये तो एक जोक का पार्ट था आपका, सिर्फ नाम की बात थी। अब आपके गेम की बात कर लेते हैं। आपकी मतलब स्पीड का अगर बात की जाए टीम इंडिया में सबसे मतलब इक्वली है भाई, नवीन है, असलम है, मतलब कि आप स्पीड में सबसे ज़्यादा ही माने जाते हो। तो ईरान के सामने स्पीड कितने मायने रखती है? ईरान के सामने बहुत ज़्यादा स्पीड मायने रखते हैं, क्योंकि सभी स्पीड का मूवमेंट फास्ट करेंगे तो अपन ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। जैसे अटैकिंग गेम खेलेंगे उनके साथ, बहुत अच्छा गेम रहेगा अपना, और अपनी टीम विन होगी, गोल्ड लेके आएंगे। हम आपको प्रोमिस करते हैं थैंक यू सचिन तन्वर भाई। अगला जो नाम है आप सभी के जुबान पे होगा, जो सुना भी होगा, सुनील परवेज की जोड़ी रेड रोगी कमर तोड़ी। बाकी हम भी बहुत बार हार चुके हैं, बहुत बार जीत चुके हैं, वो बात अलग है। तो इंट्रोडक्शन कराता हूँ परवेज भाई से। ये अपना परवेज बैसवाल भाई। परवेश भाई, अब ये आपका एशियन गेम है, और एशियन चैंपियनशिप जो आज से 2 महीने पहले टूर्नामेंट था, आप विदाउट सुनील खेले थे, तो उसका एक्सपीरियंस बताइए। और आप सुनील के साथ वापस खेलने का आपको चांस मिल रहा है, वो तो एक्सपीरियंस बताइए कि क्या आप, क्या प्लान है आपके एशियन गेम में? देखो, सुनील के बिना खेले थे हम एशियन चैंपियनशिप में, और
गोल्ड ले गए थे, बट जो कॉन्फिडेंस है जो मेरा सुनील का एक साथ खेलते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है क्योंकि हम बचपन से साथ खेलते आए हैं, तो इसका हमें बहुत बेनिफिट है। और इस चीज़ का बेनिफिट हमको ये कि मेरे मैंने सुनील का पता कि वो सुनील किस टाइम पे कहाँ पे टैकल करेगा, और सुनील ने मेरा पता कि मैं किस टाइम पे कहाँ टैकल करूँगा। मारी भी तो बता दें, हम तीन चार प्लेयर जो रेल गए हैं भाई, मारी गेल भी खेल रहे हो कई साल तक। बिल्कुल बोलिया साल तक बीच में खेल रहे भाई। कौन नहीं जानता भाई, एक बहुत पुरानी पिक अभी एक इसमें बेनिफिट ये भी तो है, जो हम ज्यादातर एक साथ रेल से भी खेलते हैं, और रेल जो हरियाणा में लोकल टूर्नामेंट होती है, ग्रेड ए टूर्नामेंट होती है इंडिया में, वो भी हम कुछ खिलाड़ी ऐसे अच्छे साथ लड़के जो कि सेम टीम में खेलते हैं, उसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा हमको, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन है इससे इंडिया टीम को बहुत बड़ा बेनिफिट है, और हम गोल्ड लेके आएंगे 100%। और आप दवाई अपनी हमारे साथ रखें। तो भाई अगला प्लेयर जो है टीम का सबसे यंग प्लेयर, सबसे छोटा प्लेयर, और जो पिछले सीजन में सबसे ज़्यादा उभर के आया है, एज में छोटा प्लेयर तो बहुत बड़ा है भाई, जो पिछले सीजन में सबसे अलग से दिख के आया है, और यहाँ भाई कबड्डी में एज मैटर नहीं करती, तो प्लेयर का नाम आप गैस भी कर सकते हो। अपना आकाश शिंदे भाई, तो आकाश भाई जो आपका लीग से सीधा इंडिया टीम का सफ़र, ये कैसा रहा? लीग में खेलने को मौका मिला तो उधर के परफॉर्मेंस दिखा दिया, अभी इंडिया टीम में खेलने का मौका मिला है, तो जब भी चाहे टीम को रिएक्शन क्या था आपको? रिएक्शन कैसा था कि भाई आपको जब पता चला कि टीम इंडिया के पार्ट बन गए, आप टीम इंडिया खेल रहे हो, तो क्या एक्सपीरियंस था, क्या एक्सप्रेशन थे आपकी? बहुत खुशी हुई थी क्योंकि हर एक कबड्डी प्लेयर का सपना रहता है इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना, और मेरा भी सपना पूरा हो गया ऐसा मेरे को लगा, जब गोल्ड आएगा तो पूरा सपना कंप्लीट हो जाएगा। तो फैमिली क्या खुश है? बहुत खुश है। चलो थैंक यू आकाश। क्या रिएक्शन था आपको ये सिलेक्शन? मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट से पहला प्लेयर हूँ इंडिया खेलने वाला, और असलम पिछले बार खेल के आया था, हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी को जो कोच है अशोक शिंदे सर, उन्होंने हम मेरे को मेरे ऊपर बहुत भरोसा रखा। तो अगला जो प्लेयर है वो भी स्पीड का मसीहा है, बोनस का बादशाह हो रखा है, सुपर टेन का बादशाह है, उस प्लेयर के बारे में जितना नाम लूँ मतलब कम ही है। ये वो प्लेयर जो जापान की ट्रेन से भी फास्ट है, राम राम जी सारे। तो मैं फैमिली का तो भाई है एक पार्ट, लेकिन सबसे पहला रिएक्शन आपकी वाइफ का क्या था जब आप इंडिया टीम के पार्ट बने? भाई देखो सबसे ज्यादा खुशी तो घरवाला को होती है। नहीं वाइफ को, वाइफ को क्या? तो वो भी वाइफ तो घरवाली बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन ले पूरी। घरवाली का क्या था, मतलब फीलिंग क्या थी उसके लिए? देखो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है भाई, हमने बचपन से सपना देखा था, और उसका मैं हस्बैंड हूँ, वो मेरी घरवाली है, तो घरवाली को बहुत ज्यादा खुशी होगी। फाइन मतलब वो भी एक स्पोर्ट्समैन क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स वूमेन है, वो भी शूटिंग करती है, तो उसका भी सपना हुआ इंडिया के खेले, उसका हस्बैंड जा रहा है, तो उसके लिए बेस्ट है। थैंक यू नवीन भाई। एक स्पेशल मैसेज देना चाह रहा है नवीन अपने फैंस के लिए? भाई जितने भी भाई है मेरे, जितने भी 60-70 हजार फॉलोअर को दबाते रहे, शेयर भी करनी वीडियो। हाँ देख जरूर लियो, देख जरूर लियो। ठीक है अगला जो प्लेयर है वो है जब बोनस मारता दिखता भी नहीं, और पर ईरान के सामने जो चैंपियनशिप में बोनस मारे हैं वो मुझे भी नहीं दिखे, जब मेरे सामने देखता मुझे ही नहीं पता चले, तो इसको जब इसको पता ही हुआ जब इसने बोनस किए, तो मिलाते हैं असलम ईमानदार। असलम भाई तो मिलते हैं असलम भाई से। असलम भाई तो पहले तो आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगे? मेरा तो पहला टूर है एशियन गेम्स का, इससे पहले मेरे 12 के 12 प्लेयरों का पहला टूर है, ये बात तो मत बोल भाई। अगली बता। बस अभी एशियन गेम के लिए जा रहे तो बस यही रहेगा कि जैसे एशियन चैम्पियनशिप में सब खेले, तो अभी और अच्छी प्रैक्टिस करके आए तो 100% तो गोल्ड लाना ही है, क्योंकि कबड्डी में गोल्ड के अलावा कोई चारा ही नहीं है, हमें तो गोल्ड ही लाएंगे जरूर। तो अगला जो प्लेयर है वो वन मैन आर्मी हो रखा है, राइट कॉर्नर नितेश कुमार है, जिन्होंने अपना एक पर्सनल इनका भी 6 सीजन में अलग से रिकॉर्ड है, 100 टैकल पॉइंट है, और फिलहाल जो रिटेन भी हो रखे हैं
तो उनसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ। नितेश भाई, यस, इंडिया टीम के राइट कॉर्नर जी भाई। तो जब आपको पता चला कि आप एशियन गेम में सिलेक्ट हो चुके हो, तो आपका क्या तजुर्बा था? क्या एक्सपीरियंस था? सॉरी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी खुश था मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पिछले 14 साल से इसी दिन के लिए मैंने कर रहा था बिल्कुल, तब मुझे पता लगा कि हाँ मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, तो काफ़ी खुशी थी मेरे को भी और फैमिली में भी, क्योंकि मेरे पापा का ड्रीम था और मेरे पापा जो नहीं कर पाए, वो तो मैंने उनका ड्रीम पूरा किया, तो मैं बेहद खुश हूँ। और पापा का तो ड्रीम था, वाइफ का क्या ड्रीम था? वाइफ का तो मेरा ड्रीम, वो वाइफ का ड्रीम है। तो वाइफ और अभी जो टीम का आखिरी प्लेयर जो बचा हुआ है, और उसका नाम है विशाल भारद्वाज, पहाड़ी एरिया से आता है, और ये गांव से कुछ मतलब बड़ा शहर है, उस शहर में KFC है। और यहाँ टीम में उसको छोटा चिता बोलते हैं भाई। तो इंट्रोडक्शन कराते हैं विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज फ्रॉम इंडिया। तो विशाल भाई, पहले तो अपना फीलिंग बताइए इंडिया टीम के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया टीम में। और आप बॉयज में जो पहले इंडिया टीम के लिए पहले किसने पार्टिसिपेट किया आपके वहाँ से, हिमाचल से किसी ने किया हो? हमारे हिमाचल से अजय भाई साहब ने खेला इंडिया टीम के लिए, अजय भाई खेले, उसके बाद आप सेकंड पर्सन हो हिमाचल से खेलने वाले। वैसे तो वुमेन्स में हैं काफ़ी प्लेयर, लेकिन बॉयज में आप ही हो सेकंड। तो आप जो अपने वहाँ पे सुनील, प्रवेश, सचिन, इनको एक गरारी निकलवाने के लिए बुलाते हो, इसका क्या है, इसके पीछे क्या है? पहले तो गरारी का मतलब क्या है? गरारी मतलब जैसे किसी तेज भाई, जैसे किसी के साथ खुंदक की बात हो मैच कोच में। तो किसके साथ खुंदक थी वहाँ पे? जैसे टीममेट में आती थी बढ़िया। तो नाम बता दे, कोई दिक्कत ना है ना? कोई दिक्कत नहीं है नाम, सुरेंद्र सिंह अगर नाम लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टूर्नामेंट था तो गरारी निकाली इन्होंने, मतलब जो आपने इतने आपके प्यार में ये आए इतने प्लेयर, गरारी निकाल दी थी इन्होंने बढ़िया तरीके से निकाली गरारी तो भाई। और जो टीम के लास्ट मेंबर हैं, वो उनको इंडिया टीम में एज ए कोच, एज ए मैनेजर, एज ए मेंटोर, मतलब कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इंट्रोडक्शन देने की उनको भी जरूरत नहीं है। ई भास्कर साहब, लास्ट मैसेज फिर कोच साहब। लास्ट मैसेज यही है कि जो टीम हम जा रहे हैं, आपका सबका प्यार, सबका प्रेयर सब टीम के लिए चाहिए, टीम को चेयर अप करना है, सारा मैच आप देखना है, कुछ भी एक मैच में कहीं भी कुछ सारे कमेंट पास करना है, ताकि हम और बेस्ट और बेटर करें टीम को, और बहुत अच्छा यही है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। थैंक यू कोच साहब, थैंक यू। और अब इंट्रोडक्शन कराता हूँ जिसने पूरी टीम को बैलेंस कर रखा है, अब तक फिट रख रखा है, और एक मात्र प्लेयर को तो सबसे ज़्यादा फिट करता है, सचिन से कुछ ज़्यादा प्यार है। तो इंट्रोडक्शन कराते हैं महेश। तो महेश भाई, आपका आप टीम में आपका क्या रोल क्या है, और टीम के प्रति फीलिंग क्या है? पहली बात तो मैं टीम के साथ फिजिकली जा रहा हूँ एशियन गेम्स, और टीम के साथ जो फीलिंग है वो तो प्राउडफुल पैशनेट फीलिंग है इंडिया के लिए काम करने की। ओके, और क्या आपका मतलब प्लेयर्स में क्या दिखता है, कुछ दिखता है पॉजिटिव वाइब आ रही है प्लेयर्स को देख के? पॉजिटिव बहुत, 12 के 12 पॉजिटिव आप दिख रहे हैं मुझे। तो आपसे है ना एक क्वेश्चन पर्सनली सचिन भाई पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन भाई क्या था सचिन? जो आप डेली करंट लगाते थे वो पूरी टीम को, वो करंट कौन सी मशीन का है? टेंस मशीन का। टेंस का, टेंस मशीन का। और एक ये सच्चाई है क्या, अर्जुन की लेग में दूसरी में चोट थी, आपने करंट दूसरी में लगा दिया? नहीं, ये बात सच है क्या महेश भाई? सच्ची बात है। अरे बैग भी आपको लेना पड़ रहा है, पैसे बैग भी आप लेना पड़ रहा है, क्या करें भाई? ले पड़ गया 600 वाली। तो भाई 5 बजे का सफर कंटिन्यू करते हुए अब पहुंचे हम फ्लाइट की तरफ, और हमारे साथ जो ट्रैवल कर रही है इंडियंस वुमेन टीम भी कर रही है, वो भी आपको दूर दूर से दिखा देता हूँ, अदरवाइज हमारे प्लेयर ये रहे। और नितेश, अर्जुन वगैरह जितने भी अपने हमारे बॉयज़ की टीम,
और जो वहाँ पे है वहाँ अपनी गर्ल्स टीम है, वुमेन्स टीम। तो भाई अभी वहाँ पे इंडिया में टाइम हुआ 5:00 और यहाँ पे टाइम होगा 7:30 और मैं तो पूरी रात में सिर्फ 1 घंटा सो पाया। जो नितेश भाई सोए हैं वो पूरी रात सोए हैं और विशाल का तो सोने के मामले में कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। क्यों विशाल भाई? भाई साहब 2 घंटे ही सोए बस सुबह सुबह, अभी तो 10 भी नहीं बजे भाई। स्टार्टिंग होती जोर से इसकी 10 बजे बोलता है कि मैं झूठ बोलूंगा। हरिचंद्र के बाद हमारा ये नाम आया है अगर सच बोलते हैं तो। जी भाई साहब के ब्लॉग शूट करें नवीन ना भाई सब स्टोरी लाऊंगा। तो भाई लंच पे आए हैं, तो लंच पे आने से हेलो लंच पे भाई ये है लेकिन अपने वाला तो है नहीं, ये रोटी है यहाँ की भाई। हेलो तो भाई यहाँ की मेरे ख्याल से चना दही। नितेश भाई खाने के लिए क्या क्या है यहाँ पे? वैसे खाने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन वेज में बस राइस वगैरह, फ्राइज वगैरह और ये सब कुछ है। जैसे KFC है ये, ये क्या नॉन वेज के लिए है? हाँ फ्राइज मिलते हैं बस, और तो बाकी बर्गर बर्गर और तो नॉन वेज है। What do you have? Only fries. Only fries and salad. Thank you. खाने पीने का अपना सारा सौदा उठ लिया है, एक फ्रेंच फ्राइज बच रहे हैं तो भाई नहीं दिखा पाया आपने, कल 6:00 हमने निकलना है फिर अगले एशियन गेम में दिखाऊंगे।